सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेक्नो गाय चैनल को और एक घंटे को दबाइए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, वो भी एकदम फ्री। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल इंडियन टेक्नो गाय में। तो आज मैं आपको करने वाला हूँ मैं Xiaomi Redmi नोट 4 के कैमरे का रिव्यू। तो जी, अगर आपको इसके कैमरे के बारे में सब कुछ जानना है तो देखिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक, हमारे चैनल कर दीजिए अब भी सब्सक्राइब। और जी, और हमने इस फ़ोन के कैमरे के बारे में सुना है कि जो इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आज जानते हैं पूरी तरह सच। तो चलिए, आप फ़ोन का सबसे पहले कैमरा तो देखिए खुला हुआ ही है। तो सबसे पहले आप इसकी कुछ इंडोर कंडीशंस में हम इमेज की टेस्टिंग करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे पे छोटी सी एक रबड़ है, मैं इसे यहाँ रखता हूँ और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैं इसका एक क्लोज़अप शॉट लेता हूँ। तो अभी तक तो एक क्लोज़अप शॉट अच्छा लग रहा है यार, एक मिनट जी। तो सबसे पहले लेंगे इससे एक क्लोज़अप शॉट। अब लेते हैं जी, अब सही से आएगा। अब अगर फ्लैश इसकी बंद करी जाए तो देखते हैं, मैं बिल्कुल पास से ले रहा हूँ। अब कुछ ऊपर से लेते हैं तो जी, अब देखते हैं पिक्चर्स को। तो अगर रियर कैमरे से इंडोर इमेजिंग की बात की जाए तो इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, ये ऊपर से ली थी। बट अगर आप क्लोज़अप शॉट की बात करें तो देखिए यहाँ पे इसकी कमी साफ साफ झलक रही है। फ़ोन सही से फोकस नहीं बना पाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये फ़ोन का बहुत ज़्यादा ये जो इमेज है ये ब्लरी हो गई है, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। इसमें फ्लैश फायर करने के बाद भी इमेज इतनी अच्छी नहीं दिख रही है जैसा आप देख पाएंगे। देखिए जी, यहाँ पे इमेज ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्लरी हो रहा है ऑब्जेक्ट। पर चलें, ये तो रियर कैमरा हो गया। अब जब फ्रंट कैमरे की तरफ करते हैं फोकस, तो जी फ्रंट कैमरे के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा। तो जी जैसा आप देख पाएंगे कि ये फ्रंट कैमरा इस फोन का खुल चुका है। अब इससे भी लेते हैं कुछ इमेजेस, और अगर पास में लें और ज़्यादा, तो जी हमने इससे भी कुछ क्लिक किए इमेजेस। तो जैसा आप देख पाएंगे फ्रंट कैमरा ठीक ठीक है, पर अगर फ्रंट कैमरे से भी दूर की फ़ोटो की बात की जाए तो फोटो अच्छी आ रही है, एक नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से क्या आप उम्मीद रखेंगे। तो ये तो होगा कुछ इंडोर शॉट्स। अब चलते हैं जी बाहर। जी बाहर जाने से पहले मैं आपको बताना भूल गया था इसके कैमरे कुछ फंक्शंस, तो जल्दी से मैं आपको कुछ फंक्शंस के बता देता हूँ। तो जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके पास तीन स्विच हैं, जो आपका ये वाला स्विच है ये आपका जो है फोटोज़ देखने के लिए, जो आपने फ़ोटो खींचे हैं, ये वाला स्विच है आपका फ़ोटो खींचने के लिए, और ये वाला मोड वीडियो मोड में रिकॉर्ड करने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं अभी फ़ोन वीडियो मोड में जा चुका है। अगर आप ये वाला देख रहे होंगे सर्कल जो आ रहा है, ये आपका जो कैमरा शिफ्ट के लिए है, मैं चले आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम इसे दबाएंगे तो यहाँ पर कैमरा शिफ्ट हो जाए, अब इसे दोबारा दबाएंगे तो आपको दोबारा रियर कैमरा खुल जाएगा। तो जी अब ऊपर की तरफ अगर देखें तो आपको ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे एक फ्लैश कंट्रोल है। तो मैं ज़रा इसका रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरे फ़ोन का हो गया था अभी एक्सपोजर। तो जी यहाँ पे आपको ऑटो और ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका HDR फोटो नॉन HDR फोटो ट्रांसफ़र के लिए है, तो जैसा भी नॉन HDR में खींचेगा फ़ोन। अगर हम मोड्स की बात करें तो मोड्स में इसके आ जाएंगे काफ़ी सारे मोड्स। तो जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पैनोरामा के लिए है, टाइमर, ऑडियो, मैनुअल, स्ट्रेटन, ब्यूटीफाई, HHT सीन, और आपका टिल्ट शिफ्ट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और अगर ऊपर यहाँ आप देख पाएंगे गियर आइकन, तो इसके फ़ोन के हो गए सेटिंग्स कैमरे के लिए। तो ये आप जो यहाँ डिवाइस का जो लोकेशन सेट कर सकते हैं, कैमरे के साउंड कर सकते हैं सेट, और यहाँ पे कुछ और आपके ऑप्शंस आ गए। साथ साथ आप कैमरे का फ्रेम भी सेट कर सकते हैं, आपको कौन से टाइप का फ्रेम चाहिए, और आप पिक्चर क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। और फेस डिटेक्शन, एज एंड जेंडर्स में नया फीचर है कि अगर आपका किसी फेस आ रहा है तो कोशिश करेगा उसकी एज और उसका जेंडर बताने की। जेंडर जो ज़्यादातर सही बताया था, पर एज बहुत ज़्यादा गलत बताया था। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम बटन के लिए भी कर सकते हैं, और इसके और बाकी फंक्शंस हो गए। फ्रंट और रियर कैमरे के फंक्शन एकदम सेम है। तो जी अब चलते हैं सही में बाहर। तो जी ये जो अब वीडियो बन रही है ये Xiaomi Redmi नोट 4 के कैमरे से बन रही है। तो ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है ये HD में रिकॉर्डिंग कर रहा है अभी अभी। हमें कुछ प्रोडक्ट्स पे क्लोजअप करके देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यो यहाँ पे इसने जो है लाइट में काफ़ी अच्छा फोकस बना लिया है इस प्रोडक्ट पर, और अब जो है इसका फोकस चेंज करें देखते हैं। तो जी इसकी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ये भी इसके इंटरनल माइक से हो रही है। तो जी मुझे बताइए जरूर कैसे लगा आपको इसका वीडियो क्वालिटी, यहाँ पे भी करके देखते हैं थोड़ा फोकस।
यहाँ पे ये इतना अच्छा फोकस नहीं बना पा रहा है, पर मुझे बताइए जरूर कैसे। और कुछ जो मैंने क्लोजअप्स लिए हैं वो जो है मैं आपको आगे दिखा दूंगा स्लाइड शो के जरिए, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो जी मैंने Xiaomi के Redmi Note 4 से कुछ वीडियो बनाई थी और कुछ क्लोजअप लिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको से क्लोजअप पसंद आएंगे। अगर आपको फोटोज अच्छी लगे तो बताइए जरूर कमेंट्स में आपको फोटो कैसे लगी है। मेरे हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार इस फोन को मिलेंगे कैमरे सेक्शन में। बाकी परफॉर्मेंस तो आप जानते हैं Xiaomi Redmi Note 4 का दी बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है उसके बजट में। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो देखिए जी प्लीज़ अभी हमको लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, और जो है इस वीडियो को कमेंट कर बताइए जरूर कैसे लगा, और वीडियो को अच्छी तरह शेयर भी कर दीजिए, और जो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमको ये हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।